मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही राज्यों में सर्दी की शुरुआत का संकेत मिल रहा है। छत्तीसगढ़ में बारिश की संभावना बनी हुई है, जबकि मध्य प्रदेश में ठंड का एहसास धीरे धीरे बढ़ रहा है। ये बदलाव न केवल स्थानीय निवासियों के लिए राहत लाएगा, बल्कि सर्दी के स्वागत के लिए भी उन्हें तैयार करेगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम आपको मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मौसम का हाल बताते हैं और शुरू करते हैं छत्तीसगढ़ के मौसम से। छत्तीसगढ़ में मॉनसून की विदाई के बाद ही बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 3 दिनों में दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। हाल ही में प्रदेश के बीजापुर जिले के गंगालूर में 5 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई। इसके साथ ही बाकी स्थानों पर भी हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान जताया जा रहा है। बीते दिन डोंगरगढ़ में सबसे ज्यादा तापमान 36 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विशेषज्ञ संजय बैरागी ने बताया कि बिस्तर संभाग के जिले में 1-2 जगहों पर बारिश होने की संभावना है, लेकिन इसके बाद बारिश की गतिविधियों में कमी आने की उम्मीद है। फिलहाल छत्तीसगढ़ में उमस बरकरार है। रायपुर शहर में शनिवार को बादल छाए रहने की संभावना है और दोपहर या शाम तक गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती है। अधिकतम तापमान 34 डिग्री और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है। मुख्य शहरों के तापमान की बात करें तो सूरजपुर का अधिकतम तापमान 32.6 डिग्री सेल्सियस, बलरामपुर का 32.4 डिग्री सेल्सियस, कोरिया का 31.8 डिग्री सेल्सियस, सरगुजा का 32.1 डिग्री सेल्सियस, मुंगेरी का 33.7 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। इन आंकड़ों से साफ होता है कि अधिकांश जिलों में अधिकतम तापमान में गिरावट देखी गई है। दूसरी ओर मध्य प्रदेश में मॉनसून की विदाई के बाद तेज धूप और गर्मी का असर बढ़ गया है। अधिकांश जिलों में तापमान में भारी अंतर आ गया है। भोपाल में शुक्रवार को तेज धूप खिली, जिससे दिन का तापमान सामान्य से ज्यादा दर्ज किया गया। वहीं रात के समय तापमान में हल्की गिरावट देखी जा रही है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार प्रदेश में अगले कुछ दिनों में गुलाबी ठंड की दस्तक हो सकती है। 20 अक्टूबर के बाद हल्की ठंड की शुरुआत हो सकती है। गुना में अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि खजुराहो में और ग्वालियर में 36.8 डिग्री सेल्सियस और 36.5 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा राजगढ़ जिले में रात का सबसे कम तापमान 18.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग का कहना है कि 20 अक्टूबर के बाद ठंड बढ़ने के असर दिखाई देने लगेगा, जिससे रात का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस के नीचे जा सकता है। हालांकि दिन का तापमान 33 से लेकर 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि छत्तीसगढ़ में बारिश जारी है और तापमान में उतार चढ़ाव देखा जा रहा है, जबकि मध्य प्रदेश में गर्मी का असर ज्यादा है। हालांकि दोनों राज्यों में अगले कुछ दिनों में मौसम में बदलाव आने की संभावना है, जिससे ठंड बढ़ने की उम्मीद है। लोकल 18 के लिए रायपुर से राजकुमार और भोपाल से शुभम सिंह की रिपोर्ट।